हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑथेंटिक 365। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड मोदक। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले रेसिपीज़ जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 कप मैदा ले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हल्का कुनकुना घी डाल देते हैं, जब तक के मोइंग बन ना जाए। देखिए मोइंग कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेते हैं और आटा गूंथ लेते हैं। ध्यान रखिए, हमें आटा बिल्कुल नॉर्मल गूंथना है, ज्यादा गीला ना करें। अब हम आटे को क्लिंग रैप से कवर कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम मोदक में जाने वाले फिलिंग्स की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई हल्का गर्म होने पर इसमें 1 कप नारियल बुरादा डाल के इसे हल्का ब्राउन होने तक भूंज लें। ध्यान रखें, हमें इसे कंटिन्यूसली भूंजना है ताकि ये नीचे से जले ना। नारियल बुरादा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 1 कप सूजी हल्का ब्राउन होने तक भूंज लेते हैं। ध्यान रखें, हमें इसे भी कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना सूजी नीचे से जल सकता है। सूजी हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम 1/2 किलो खोआ को भूंज लेते हैं। हमें इसे तब तक भूंजना है जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। खोआ गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून घी ले लें। घी हल्का गर्म होने पर 1/3 कप किशमिश डाल लें और 1 कप बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। मैंने यहाँ काजू, पिस्ता और बादाम का यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं।
अब एक बाउल में आधा किलो भुना हुआ खोआ डाल लेते हैं। खोए को हल्का क्रश कर लें। देखिए कुछ इस तरीके से क्रश होना चाहिए। अब हम इसमें एक कप भुना हुआ सूजी डाल लेते हैं, एक कप भुना हुआ नारियल का बुरादा, एक कप शक्कर पीसी हुई, दो टीस्पून इलायची पाउडर और एक कप फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे मिक्स कर लें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मोदक में जाने वाली फिलिंग रेडी है। अब हम तैयार किए हुए आटे को ले लेते हैं। आटा थोड़ा गीला हो गया था तो मैंने यहाँ सूखा आटा डाल के इसे थोड़ा और गूंथा है। हम इसे वापस थोड़ा सा मंदा लेते हैं। अब गूंथे हुए आटे का थोड़ा सा पार्ट ले ले और इसे बेल ले। ध्यान रखें हमें रोटी ज्यादा पतली नहीं बेलनी है वरना फिलिंग भरते समय ये टूट सकती है। अब एक शार्प एज वाली कोई भी गोल कटोरी या वेसल ले ले, उससे बेली हुई रोटी को गोल शेप में कट कर ले। अब बाकी साइड के आटे को अलग कर लेते हैं। एक कटोरी में पानी ले लेते हैं। अब हम एक तैयार की हुई पूरी ले लेते हैं और इसके कॉर्नर्स में पानी लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अब इसमें एक से दो टेबलस्पून फिलिंग डाल लें। और आटे को साइड से पिंच करते जाएं, साथ ही साथ अंगूठे से फिलिंग को अंदर की तरफ पुश करते रहें ताकि फिलिंग्स बाहर ना निकले। इसी तरीके से बाकी तैयार की हुई पूरियों को भी मोदक का शेप दे दे। चलिए अब इसे तल लेते हैं। एक कढ़ाई ले ले और उसमें डीप फ्राई करने जितना तेल डाल ले। आप चाहे तो इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके मोदक डाल लेते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखें हमें मोदक को मीडियम फ्लेम में ही तलना है।
हमें इसे चारों साइड से पलट पलट के तलना है जब तक मोदक हर तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मोदक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। मोदक सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ऑथेंटिक 365 के ये फ्राइड मोदक की रेसिपी पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग कीप स्माइलिंग।